हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आपको फास्टैग बनाना है तो आप दो तरीके से यहाँ पे फास्टैग बना सकते हो दोस्तों। पहला मेथड जो है वो ऑफलाइन तरीका होता है, दूसरा जो है ऑनलाइन तरीका होता है। अगर आपको ऑफलाइन तरीके से फास्टैग बनाना है तो आप यहाँ पे टोल नाके पे जाके उनका जो भी प्रोसीजर होगा उन्हें फॉलो करके आप यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से फास्टैग बना सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन तरीके से फास्टैग बनाना है घर बैठे अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से अगर आपको फास्टैग घर बैठे बनाना है तो ये वीडियो आपके बड़े काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में बताने वाले कि आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हो फास्टैग के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है शेख फराज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा इजी कर लेते हो दोस्तों, आपको भी समझ में जल्दी आ जाएगा। तो हम वीडियो को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। तो पार्ट वन में हम बोलेंगे कि व्हाट इज फास्टैग, सेकंड पार्ट में हम बोलेंगे कि इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फास्टैग को अप्लाई करने के लिए, और थर्ड पार्ट में हम आपको बता देंगे कि कैसे ऐसा अप्लाई करते हैं। तो बात करते हैं कि व्हाट इज फास्टैग दोस्तों। तो बेसिकली देखा जाए तो फास्टैग जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है दोस्तों। सीधी सीधी मोटी मोटी भाषा में अगर हम कहें इसे तो एक डिजिटल तरीका है टोल कलेक्ट करने का। जब भी आप अगर टोल नाके पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ऊपर लेबलिंग की गई होती है कि फास्टैग। अगर आप फास्टैग के लेन में चले जाओगे तो जब आपके पास फास्टैग का कार्ड होगा, कार के सामने एक मिरर पे लगा हुआ सामने कांच पे, तो आप जाओगे फास्टैग के लेन में तो आपको वहाँ पे एक हाथ से कैश देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप डायरेक्ट जाओगे तो वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है, कैमरा आपके फास्टैग को स्कैन कर लेगा, देन आपके बैंक अकाउंट में से वो जो भी टोल नाके का अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास फास्टैग का कार्ड नहीं है और आप फास्टैग के लेन में चले जाते हो तो आपको शायद वहां पे डबल अमाउंट पे करना होगा। तो इसे फास्टैग कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, आरसी बुक लगेगी आपको, बस इतना ही लगेगा। देन आपका यहाँ पे आपको एड्रेस हो, जो भी आपको जब घर पे मंगा रहे हो तो आपको एड्रेस तो ऑब्वियसली लगेगा। तो ये इतने सिंपल इतने ही रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको लगते हैं। शायद कभी कभी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपकी लग जाएंगे और पैन कार्ड भी आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो इतना ही कुछ यहाँ पे लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फास्टैग अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बट हम इतने झमेले में नहीं पड़ते, आपको सिंपल तरीका बताते हैं। आपके स्मार्टफोन में जरूर पेटीएम तो होगा ही होगा, सभी इसे यूज़ करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, पेटीएम को ओपन कर लेना है दोस्तों। पेटीएम ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे फीचर के टैब में आपको फास्टैग बाय का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी बाय फास्टैग है। उसके ऊपर आप जैसे सिंपली क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, बाय द बेस्ट टोल टैग विद चार्ज प्रोटेक्शन। ओके, कुछ ऐसा लिखे हुआ देखेंगे आपको यहाँ पे फास्टैग का वो कार वो बनी हुई दिखेंगे आपको नीचे। थोड़ा सा आप नीचे होंगे तो आपको यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करने के बाद आपको नीचे क्लिक एंड अपलोड ऑफ आरसी बुक, यानी कि आपको यहाँ पे आरसी बुक के फ्रंट फोटो एंड देन इसके बाद बाजू में बैक फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है दोस्तों। मेक श्योर आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 MB तक ही साइज फोटो अपलोड करनी है, यानी कि 2 MB से ज्यादा फोटो की साइज नहीं होनी चाहिए, 2 MB से नीचे ही फोटो के साइज यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। फिर इसके बाद अगर आपके पास आरसी बुक में फ्रंट का पीछे बैक साइड कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं है, तो आप यहाँ पे दोनों में फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करें तो चल जाएगा दोस्तों। इसके नीचे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो कर दिए गए, जैसे कि टैग इंश्योरेंस फी 84 rupees अब समथिंग यहाँ पे कुछ दिखा है, GST रिफंडेबल एंड मिनिमम बैलेंस ऑफ मेंटेन यहाँ पे आपको दिया गया, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे 350 rupees, यानी कि 350 rupees यहाँ पे हो रहा है, यानी कि आपका फास्ट ऑनलाइन बनाने का खर्च यहाँ पे 350 rupees यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अवेलेबल ऑफर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड होगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके जो प्रोमो कोड अप्लाई करोगे तो जो भी आपका ऑफर होगा वो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा अमाउंट में से। उसके नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हो पार्टनर ऑफर वो देखने को मिलेगा। फिर डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे डिलीवर बाय 19 March यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि अगर मैं आज यहाँ पे अपलोड करूंगा तो मुझे 19 March तक मुझे मेरे घर तक फास्टैग मेरा कोरियर से या फिर पोस्ट मेरे घर तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर जैसे आप यहाँ पे पिन कोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंटर पिन कोड डालना, जहाँ पे आप रहे तो वो सिटी का आपको पिन कोड यहाँ पे इंसर्ट करना है, फुल नेम मोबाइल नेम, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से पिन कोड इंसर्ट करना है, एड्रेस 1 address 2 आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, एरिया सिटी टाउन एंड स्टेट यहाँ पे सब डाल के यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप भी सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे होम ऑफिस जो भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको नीचे बाय फॉर 350 rupees पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अमाउंट कहीं से कहाँ से पे करना है, लाइक बैंक अकाउंट से पे करना है या फिर पेटीएम वॉलेट से पे करना है, आपको यहाँ पे पूछेगा। आप जैसे यहाँ पे करोगे तो आपका यहाँ पे जो है फास्टैग बाय हो जाएगा। जब भी यहाँ पे आपकी डिलीवरी डेट यहाँ पे पता है उस दिन आपको यहाँ पे बाय पोस्ट या फिर बाय कोरियर आपको यहाँ पे फास्टैग मिल जाएगा। तो एक इजीएस्ट वेस्ट है, बाद में आपके यहाँ पे जो है फास्टैग का जो जैसे अपने पेटीएम वॉलेट होता है तो यहाँ पे फास्टैग वॉलेट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो यहाँ पे उसके अंदर पैसे इंसर्ट करने होंगे, जब भी आप यहाँ पे टोल पे जाओगे तो आपके पेटीएम वॉलेट से यहाँ पे पैसे डिडक्ट हो गए दोस्तों, यानी कि इन द सेंस ऑफ बोले तो
फास्टैग वॉलेट से यहाँ पे आपके जो पैसे डिडक्ट हो गए, तो ये एक इजीएस्ट तरीका था। दूसरे तरीके भी बहुत है दोस्तों फास्टैग बनाने के, तो ये इजीएस्ट तरीका मुझे लगा तो मैंने आपको बताया, क्योंकि पेटीएम तो सबके पास होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फास्टैग कैसे बनाते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डिफिकल्टी हुई तो कमेंट डाउन बिलो फ्रीली आप कमेंट कर सकते हो। तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मुझे आप फॉलो लाइक जो भी करना है आप कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस, बाय बाय।